अस्सलाम वालेकुम डियर किड्स, कैसे आप सब ठीक हैं जी। तो प्यारे बच्चों, आज हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से यूनिट नंबर 1 ऑल अबाउट द कंप्यूटर्स। सो आज जो हमारी बुक है ये कंप्यूटर सेविंग की है, पार्ट 2 है। सो इट्स मीन ये 2 क्लास की बुक है और यूनिट नंबर 1 को हमने पढ़ा था जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। सो ऑल अबाउट द कंप्यूटर, कंप्यूटर के मतलब तमाम। सो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक दफ़ा यूनिट नंबर 1 को रिवाइज़ करेंगे। कंप्यूटर मैनर्स, कंप्यूटर के मैनर्स क्या हैं। ऑलवेज़ मेंटेन अ क्यू टू एंटर द कंप्यूटर रूम। हमेशा हम लोगों ने क्या करना है, मेंटेन करनी है अपनी एक कतार में। हम लोगों ने क्या करना है, अपने जो है वो कंप्यूटर रूम में जाना है। कंप्यूटर शुड बी कीप डस्ट फ्री एंड क्लीन। कंप्यूटर के पास जो है वो डस्ट वगैरह नहीं होनी चाहिए, यानी कंप्यूटर जो है वो बिल्कुल डस्ट से और जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। द नेक्स्ट लेट्स रिवाइज, हम रिवाइज करेंगे। पर्सनल कंप्यूटर इज़ अ डिज़ाइन टू बी यूज बाय वन पर्सन। पर्सनल कंप्यूटर जो है वो डिज़ाइन किया गया है एक फ़र्द, यानी एक वक्त पे एक ही फ़र्द से फ़र्द के इस्तेमाल के लिए। डेस्कटॉप कंप्यूटर कैन नॉट बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो हम लोग कैरी नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लैपटॉप इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल कंप्यूटर। लैपटॉप जो है वो एक छोटा सा यानी कंप्यूटर है जिसे हम लोग बआसानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। नोटबुक इज़ द इम्प्रूव एंड लाइटर फॉर्म ऑफ द लैपटॉप। नोटबुक जो है वो इम्प्रूव करके यानी इसे जो है वो पहले से काफ़ी बेहतर करके, बहुत हल्का करके, हल्की फॉर्म में इसे लैपटॉप की शक्ल ही दी गई है। आर टैबलेट कंप्यूटर इज़ द पार्ट पर पीसी विथ अ टच स्क्रीन इंटरफेस। और जो टैबलेट है जिसे तख्तीनुमा एक कंप्यूटर है जो एक जिसे हम आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा सकते हैं, और ये भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे पास मौजूद होता है टच स्क्रीन के साथ। स्मार्टफोन आर यूज्ड टू मेक कॉल्स, और स्मार्टफोन से हम लोग कॉल्स भी कर सकते हैं। न्यू वर्ड जो हमने इसमें से सीखे हैं वो है पर्सनल कंप्यूटर, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट, स्मार्टफोन। नाउ एक्टिविटी नंबर वन इज़ फाइंड द पर्सनल कंप्यूटर एंड कलर डियर बॉक्सेस। हमने क्या करना है, पर्सनल कंप्यूटर के यहाँ पर जो हमें एक्टिविटी में यहाँ पर जो दिए गए हैं हमें वर्ड, हमने उनको ढूंढना है और फिर बाद में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से इसमें कलर्स को भी कंप्लीट करना है। सो मेरे पास कलर बहुत ही खूबसूरत तरीके से मौजूद है जिनका हम लोग यूज़ करेंगे। नाउ इन द फर्स्ट इज लुक, दिस इज़ लैपटॉप। सो लैपटॉप को हम लोगों ने ढूंढना है। नाउ इन दिस लाइन लुक, दिस इज़ लैपटॉप। सो लैपटॉप में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कलर्स करेंगे। नाउ लैपटॉप, LAPTOP, लैपटॉप। नाउ द नेक्स्ट इज डेस्कटॉप। सो डेस्कटॉप में अगर हम देखें, सो डेस्कटॉप जो है वो हमें दिखाई देता है ऊपर वाली लाइन में। नाउ डेस्कटॉप, DESKTOP, डेस्कटॉप। नाउ नेक्स्ट इज स्मार्टफोन। सो स्मार्टफोन में अगर हम देखें तो हमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है स्मार्टफोन। SMARTPAONE, स्मार्ट फोन। नाउ द नेक्स्ट इज टैबलेट। सो टैबलेट को हम देखेंगे, TABLET, टैबलेट। आप चाहें तो डिफरेंट कलर भी कर सकते हैं, एज यू विश। अगर आप चाहते हैं तो आप लोग ओनली वन कलर, जो आपके पास एक कलर मौजूद है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नोटबुक। सो नोटबुक, नाउ NOTE, नोट, BOOK, बुक।
नोटबुक। सो किड्स, हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से अपने वर्क को डन किया और हमने एक्टिविटी को कंप्लीट किया। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज इज़ पेज नंबर 7। नाउ ऑन पेज नंबर 7 एक्टिविटी, एंड द एक्टिविटी इज़ मैच द फॉलोइंग पर्सनल कंप्यूटर विद देयर नेम्स। हमने क्या करने हैं, इनके नामों के साथ इनके पर्सनल कंप्यूटर को मैच करना है। नाउ द फर्स्ट इज़ लैपटॉप। सो दिस इज लैपटॉप, नाउ मैच विथ लैपटॉप। नाउ नेक्स्ट इज टैबलेट। सो लुक, दिस इज टैबलेट। नाउ नेक्स्ट इज नोटबुक। सो दिस इज नोटबुक। नाउ नेक्स्ट इज स्मार्टफोन। सो दिस इज स्मार्टफोन। नाउ नेक्स्ट इज डेस्कटॉप। सो दिस इज डेस्कटॉप। सो किड्स, द एक्टिविटी इज डन। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट पेज, एंड द नेक्स्ट पेज इज एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज इज फिलिंग द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द वर्ड। हमने क्या करने हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स को हल करना है इन वर्ड बैंक के जरिए से। नाउ इन फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट डैश एंड डैश। सो पर्सनल कंप्यूटर आर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप्स। साइज शेप्स। नाउ नेक्स्ट इज पर्सनल कंप्यूटर इज डिजाइन टू बी यूज बाय डैश पर्सन एट अ टाइम। सो वन पर्सन एट अ टाइम। नाउ नेक्स्ट इज डेस्कटॉप कंप्यूटर इज नॉर्मली प्लेस्ड इन ऑन डेस्क। ऑन अ डेस्क। डैश इज अ स्मार्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। लैपटॉप इज अ स्मार्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। पोर्टेबल कंप्यूटर। नाउ द टू इज मैच द जंप वर्ड विद द गिवन ऑप्शन। लैपटॉप, नाउ लुक, PALPO लैपटॉप, यहाँ पर लैपटॉप के साथ हम इसे मैच करेंगे। डेस्कटॉप, नाउ लुक, नोटबुक। नाउ एंड क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक। नोटबुक पे जो हमने क्वेश्चन के आंसर्स लिखे हैं, वट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर। सो पर्सनल कंप्यूटर जो है वो क्या होता है। सो मेरे पास नोटबुक है जिनका हम लोग इस्तेमाल करेंगे। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 1, सो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। पर्सनल कंप्यूटर is designed to be used by one person at a time। यानी पर्सनल कंप्यूटर जो होता है वो डिज़ाइन किया गया है इस्तेमाल करने के लिए एक शख्स का एक ही वक्त में, यानी एक ही शख्स एक ही वक्त में पर्सनल कंप्यूटर को इस्तेमाल कर सकता है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लैपटॉप और अ डेस्कटॉप कंप्यूटर. सो द आंसर इज लैपटॉप इज अ स्मॉल portable computer people can also carry laptop with them they are traveling they are traveling desktop cannot be carried from one place another and is normally placed on a desk. So the next question is what is a smartphone? Smartphone kya hai? Now niche hum likhenge क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर. अ स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ portable
मोबाइल, विद अ टच स्क्रीन, अ स्मार्टफोन इज ऑल्सो अ पोर्टेबल फोन विथ अ टच स्क्रीन इंटरफेस। पीपल कैन hold or put it in their pockets it is used to make calls and can performed perform most of the function of a computer. Now the next question is, what is the difference between a tablet or a notebook? यानी tablet और notebook में क्या फर्क है? Now the first is notebook. Answer number 4. Notebook is the improved form of a laptop they are lighter in weight than laptop. Now the next is tablet. Now a tab
कंप्यूटर, इज अ पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर विथ अ टच स्क्रीन इंटरफेस इट इज टिपिकली स्मार्टर स्मॉलर स्मॉलर then a notebook so कर समय बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया अपने क्वेश्चंस के आंसर को कंप्लीट किया और हमने खूबसूरत तरीके से इन्हें लिखा देन आपने भी इसी तरह बेहतरीन तरीके से अपनी नोटबुक पर इसे कंप्लीट करना है सो किड्स आज हमारा यूनिट नंबर 1 एंड ऑल्सो चैप्टर जो है चैप्टर नंबर 1 ऑल अबाउट कंप्यूटर्स जो है वो डन हुआ सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेसन सो किड्स इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह हाफिज़ वीडियो पसंद आई तो लाइक करें अपनी राय कमेंट करें ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे